नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट फंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया शेयर्स के बारे में, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर्स से। तो आइए इस पे हम बात करते हैं कि कैसे हम वोडाफोन आइडिया से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर टेलीकॉम कंपनियां हैं जो अपने टैरिफ यानी अपने रिचार्ज प्लान में बदलाव किया है, और उसने मैंने देखा है कि 50 रुपये हर रिचार्ज पे, जो लंबे रिचार्ज होते हैं जैसे 199 रुपये का हो गया या 150 रुपये का, तो उन्होंने 50 रुपये डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया हर रिचार्ज पे। तो उससे क्या हो गया, वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज में कुछ पैसे इंक्रीज किया है, तो अपने रिचार्ज प्लान को अपडेट किया है, जिसकी वजह से इसके शेयर्स में काफी उछाल आया है। पिछले 3 4 दिन से अगर देखा जाए तो इसमें 15 से 20% का उछाल आया है। तो दोस्तों, यदि आप भी अब शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया के शेयर से आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ले सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं इसके शेयर्स को, और 4 5 5 से 6 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि 5 से 6 दिन के अंदर में हमारा जो टारगेट है वो इसका 20 रुपये का टारगेट है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है अभी 15 रुपये है, लेकिन ये 20 रुपये का टारगेट ये टच करेगा आने वाले समय में। तो आप इसमें 5 रुपये पर शेयर आप जनरेट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस शेयर्स को आराम से 15 रुपये की प्राइस पे आप ले सकते हैं, और 4 से 5 रुपये आप इस पे कमा सकते हैं। और इसका जो हमारा टारगेट है जो 20 रुपये है, और जो लोअर टारगेट है वो हमारा 13 रुपये का है, तो आप 13 रुपये लगा सकते हैं। और जो अपर टारगेट है वो 20 रुपये का है, क्योंकि इसमें अगर 80% इसकी हम प्रेडिक्शंस की बात की जाए, बाइंग की बात की जाए, तो इसमें बाइंग कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि इसकी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बाई का प्रेडिक्शंस है वो काफ़ी, 80% लोगों ने बाई के लिए रिकमेंड किया है, सेल के लिए 15 15% लोगों ने किया है, 5% लोगों ने होल्ड करने के लिए प्रिडिक्ट किया है। तो मैं होल्ड करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, नहीं मैं आपको सेल करने के लिए कहूंगा, लेकिन हाँ, आप अगर बाई करते हैं तो आप एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। 4 से 5 रुपये पर शेयर पे आप कमा सकते हैं अगले आने वाले 4 5 दिन के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस शेयर्स को ले सकते हैं, और 4 5 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर आप 4 से 5 रुपये आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि हर टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, सबने अपना रिचार्ज को अपडेट किया है और कुछ प्राइस को इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इनका इनकम बढ़ा है, और जिसकी वजह से ये प्राइस इनका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये तक का है, कि ये 20 रुपये तक इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आराम से ये 20 रुपये जाएगा, ठीक है। और हमारा जो लोअर टारगेट है वो हमारा 13 रुपये का है। तो आप परचेज कर सकते हैं इसको, बाई कर सकते हैं इसको वोडाफोन आइडिया शेयर्स को, और 4 से 5 6 7 5 6 5 6 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वीक और नेक्स्ट वीक तक आप इसको रख सकते हैं, और ये पक्का 20 रुपये तक जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शंस है। तो आप इसे बाई कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप एक अच्छा खासा इनकम वोडाफोन आइडिया से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।